हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम सब पढ़ेंगे नहीं, केवल ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद हमें रिटर्न कितना मिलता है। मैं पहले अपना एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे कितना रिटर्न मिला, कितना दिन हो गया मुझे इन्वेस्ट करते हुए, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करता हूँ कि लमसम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सब वन बाय वन बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। और यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले आप इन्वेस्ट करने से पहले ये देखें कि मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना रिटर्न मिला और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। था इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या, तो और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं वन बाय वन सब बताऊँगा। तो ये मैंने अपना डैशबोर्ड खोल रखा है, आप देख सकते हैं होम पेज पे हूँ मैं म्यूचुअल फंड के। मैंने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ, तो ये देख सकते हैं वेलकम रामपाल। तो मेरा नाम रामपाल है तो इसलिए इस पे लिख के आ रहा है वेलकम रामपाल, आप देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो करंट वैल्यू है, माने करंट वैल्यू है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न मिला, दोनों का सम उससे मिला के मेरा जो टोटल बनता है वो 16,961 रुपया बनता है। इतना मुझे मेरा जो करंट वैल्यू हो चुका है। और मैंने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 11,499 रुपया अभी तक इस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, माने उसमें मैंने इतना पैसा डाल रखा है। और मुझे रिटर्न कितना मिला है आप देख सकते हैं, मुझे 5,461 रुपया। इस 11,499 रुपये पे मुझे 5,461 रुपया रिटर्न मिला है और उसका रिटर्न परसेंटेज जो हुआ है वो 47%। यदि मैं इस 11,499 रुपये का 47%, 47.5% निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो वो दोनों टोटल मिला के मेरा ये 16,961 रुपया बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक म्यूचुअल फंड का पावर मुझे कितना 47.5% रिटर्न मिल रहा है। और मैं इसे कैसे इन्वेस्ट करता हूँ आपको सब बताऊँगा। तो आप इधर आप देखिए, इसमें करंट लोकेशन, लोकेशन माने होता है जैसे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट टाइप जो है मेरा लमसम नहीं है, लमसम 0 दिखा रहा है, 0%। मैं SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो SIP माने होता है कि आप पे एक सिस्टमेटिक प्लान ले सकते हैं, जैसे कि आप मंथली वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हर मंथ मेरा 100 रुपया मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा या हर साल इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करता हूं इसमें। तो आप देख सकते हैं इधर आप देखेंगे, यदि मैं आपने इस पे लेके चलूँ, क्या कहते हैं माई पोर्टफोलियो पे लेके चलूँ, यदि आपको दिखाऊँ तो यह है मेरा माई पोर्टफोलियो, जो मेरा पोर्टफोलियो है तो इसमें भी वही सब कुछ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इन्वेस्ट, कितना वैल्यू हो गया, मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना मुझे रिटर्न मिला टोटल। और मैं इधर आपको दिखाऊं कि मैं कितना रुपया इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं आप देख सकते हैं मैं 100 रुपया और ये 400 रुपया, कुल मिला के 500 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ। 100 रुपया जो मेरा कटता है वो 2 तारीख को, हर 2 तारीख को कट जाता है। और मैं कब से इन्वेस्ट करता हूँ ये आप भी देख सकते हैं, उतना दूसरा महीना 14 तारीख को, माने इसमें मान सकते हैं कि अब वो जनवरी फरवरी में, फरवरी हर फरवरी के 14 तारीख को मेरा कितना 100 रुपया कट जाता है। और ये 23, मैं इसके माने ये मैं शुरुआत जो किया था, ये तो डेट है कि हम जब रजिस्ट्रेशन किए थे वो डेट है कि मैं जब से शुरुआत किया था, तो मैं शुरुआत किया था 2022 से, 2022 से मैं शुरुआत किया था। अब ये होने वाला लमसम 2 साल होने वाला है, तो 2 साल में मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला, 47, मान लेते हैं 80%, 48% मान सकते हैं, 2 साल कंप्लीट होते थे 48, तो हो सकता है 24 दुना 48, 1 साल में 24% रिटर्न देख सकते हैं। SIP के माध्यम से मैंने जब इन्वेस्ट किया तो 48% रिटर्न जानो मुझे मिलेगा।
2 साल में, और यदि मैं यदि लम सम इन्वेस्ट करता तो मुझे और ज़्यादा रिटर्न मिलता, और मैं केवल 500 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ। यदि आपके पास इससे ज़्यादा है या इससे कम है, आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप 100 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 100 रुपये से इन्वेस्ट करके आप राजा तो बन नहीं जाएंगे, बट आप आगे चल के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। जैसे कि अभी से कोई हैबिट एक ही साथ नहीं बिल्ड होती है, धीरे 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 करके आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी इन्वेस्टमेंट करने की, जिससे आप आगे चल के जब अच्छा खासा अर्न करने लगेंगे, कमाने लगेंगे, तो आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उस पर और ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना ही जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही बेस्ट है। तो आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, बट आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।